महाराष्ट्र किसानों के लिए खुशखबरी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को सबसे बड़ा दिवाली का तोहफा दिया है। किसानों के लिए दिवाली इस साल बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि कल हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसला लिया गया। भूमि विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करीब 964 करोड़ का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। कल राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में गृह सचिव, विपणन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अलग अलग विभागों को लेकर अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस मौके पर कई अहम विषयों पर चर्चा की गई और कई बड़े ऐलान किए गए। सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक में घोषणा की कि भू विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल हुई कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिन किसानों ने भू विकास बैंक से कर्ज लिया है उन्हें पूरी कर्ज माफी मिलेगी और करीब 964 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। भू विकास बैंक की संपत्ति सरकार को ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्र की भी स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए सरकार को गुणवत्तापूर्ण सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन मिल सके। और इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे 5G प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाया जाएगा। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 बचत समूह बनाए जाएंगे। 1500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 जून तक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के मामले वापस लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क अनुदान के रूप में संगठन को धन मुहैया कराएगा। किसानों की आय में वृद्धि संभव होगी। वहीं वाहनों के स्वैच्छिक स्क्रैपिंग के लिए भी ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। जर्जर हालत में वाहनों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि रिफाइनिंग क्षमता को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया कि 1250 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 2500 मीट्रिक टन प्रतिदिन करने के लिए सरकार इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।